नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 29 अगस्त 2022 और आज का दिन है सोमवार। तो हम शुरुआत करते हैं, हम पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया। फिर देखेंगे कि क्या कहा मोदी जी ने मन की बात में जल संरक्षण व स्वास्थ्य को लेकर। फिर देखेंगे हम कि क्या भूमिका हो सकती है दोष सिद्धि दर बढ़ाने में फोरेंसिक जांच की, और क्या होती है दोष सिद्धि दर यानी कन्विक्शन रेट। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को क्या दी सौगातें, और मारुति सुजुकी की सफलता पर भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप को भी देखेंगे एक बार। रक्षा मंत्रालय से मिली तीसरी सकारात्मक सूची को मंजूरी, तो जानेंगे कि क्या है ये सकारात्मक सूची। ई कोर्ट्स के जरिए न्याय सेवा पहुंचाएगा सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर। फिर हम जानेंगे भारत में परमाणु रिएक्टर के द्वारा स्थापित ऊर्जा क्षमता के बारे में, और कहाँ का परमाणु रिएक्टर स्थापित है। फिर जानेंगे हम जनधन योजना को लेकर क्या कहा वित्त मंत्री जी ने। रूसी राजदूत ने क्या कहा भारत व पश्चिमी देशों को लेकर कच्चे तेल के संदर्भ में। उसके बाद भारत का कमिटमेंट COP26 में। फिर न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया, फिर मैप देखेंगे भुज का, और एक बार कन्विक्शन रेट को समझेंगे क्या होती है कन्विक्शन रेट। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की मैप की एनालिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर इन। इस तरह से हमारा न्यूज पेपर रहेगा। तो हम शुरुआत पहले एक वीडियो क्लिप से कर। बेईमानी के टावर ध्वस्त, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े एपेक्स व सियान टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब कल 28 तारीख को 2:30 बजे लगभग 12 सेकंड के अंदर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। दोनों टावर इतिहास का हिस्सा बनकर रह गए हैं, और इनका सफलतापूर्वक ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। मात्र 9 सेकंड में हुए करीब 100 मीटर ऊंचे सियान व एपेक्स टावर यानी जिसे ट्विन टावर बोल रहे यानी टी 16 और 17 को जमींदोज कर दिया गया है। मलबा उसी परिसर में गिरा रहा, और सियान व एपेक्स टावर को पूरी तरह से कहीं ना कहीं डिमोलाइजेशन कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि देश में कानून से ऊपर कोई नहीं, और इससे कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा संदेश गया है कि आज भी देश में कानून की राज की जय जयकार और बेईमानी को बड़ा संदेश दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। तो मोदी जी ने क्या कहा मन की बात को लेकर। तो भावी पीढ़ी की चिंता हो तो सामर्थ्य भी आ जाता है मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहने के जो मन की बात के जो मासिक रेडियो कार्यक्रम में कहा कि हमें जल संरक्षण और कुपोषण के खिलाफ अभियान को लेकर और मजबूती देने का आह्वान किया है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो हम सबने उत्साह देखा है उसे हमें आगे इसी तरह से बरकरार रखना है। भारत ने जो वैक्सीनेशन में एक रिकॉर्ड हासिल किया है, स्वच्छता जैसे अभियान में सभी के उत्साह के साथ ही भारत एक मजबूत देश बन सकता है। उन्होंने डिजिटल क्रांति को लेकर भी कहा कि इसमें कई बदलाव है, आज कार्य का स्वरूप बदलता जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा पोषण माह में सभी को इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। मोदी जी ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेट वर्ष के रूप में माना जाने का फैसले का भी जिक्र किया। मोटे अनाज का उपयोग उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन खड़ा करना होगा। वैसे भी मोटा अनाज प्राचीन काल से ही हमारी कृषि संस्कृति और सामाजिक जुड़ाव का हिस्सा रहा है। यह एक हेल्दी फूड है। मोटे अनाज की अपनाए जाने का भी उन्होंने आह्वान किया है। तो इस तरह से मोदी जी ने मन की बात में कहा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। 6 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच होगी जरूरी। शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कहीं ना कहीं जो 6 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले अपराध होंगे उन्हें फॉरेंसिक जांच को कहीं ना कहीं अनिवार्य कर दिया गया है। कहा कि विकसित देशों से अधिक ले आएंगे सजा दिलाने की दर। आईपीसी इंडियन पिनल कोड सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से किए जाएंगे बदलाव। कहीं ना कहीं उन्होंने गांधीनगर में रविवार को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान में
के जो दीक्षांत समारोह में कहा है इस बार। केंद्र सरकार का लक्ष्य 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य और कानूनी बनाने का है। साथ ही सरकार ने सजा दिलाने की दर को विकसित देशों से अधिक करने और आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक जांच को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार ने सभी जिलों में फॉरेंसिक मोबाइल जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी, साथ ही कानूनी ढांचा तैयार करेगी और जांच की स्वतंत्रता व निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव करने जा रही है, क्योंकि किसी ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन कानूनों को भारतीय परिप्रेक्ष्य से नहीं देखा है। इन कानूनों को स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से फिर से बनाने की जरूरत है। देश में सजा दिलाने की दर तभी बढ़ेगी जब गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों को कानूनी बनाया जाए। बड़ी संख्या में फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ की जरूरत भी है। इससे कहने के छात्रों को रोजगार भी मिलेगा और फॉरेंसिक के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की भी जरूरत है। फॉरेंसिक श्रम शक्ति का सृजन, फॉरेंसिक तकनीक की उपलब्धता और फॉरेंसिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। सरकार इन चारों स्तंभों के आधार पर देश में फॉरेंसिक विज्ञान को मजबूत करना चाहती है। भारत में बनी फॉरेंसिक मोबाइल प्रयोगशाला को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि जो NFSU ने कम समय में ही अधिक जो प्रगति हासिल की है। तो दोष सिद्धि दर क्या होती है वो देख लेते। दोष सिद्धि दर तय किए गए मामलों की कुल संख्या के मुकाबले दोष सिद्धि में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या का अनुपात है। लंबी सुनवाई के बाद के कारण अदालतों द्वारा केवल सीमित संख्या में ही मामलों का फैसला किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल की फिर समझते हैं कि 2018 में 15 मामलों में से अगर 14 में दोष सिद्धि हो चुकी है तो इससे हमारी जो दोष सिद्धि दर होगी वो 93.33% होगी। और कहीं ना कहीं इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारियों के व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रह, वित्तीय विश्लेषण और जांच की विभिन्न अन्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं। तलाशी, जब्ती, पूछताछ, तकनीकी कुर्की के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से शिकायत तंत्र हो, उनकी जांच के लिए अच्छे से अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह से कहीं ना कहीं दोष सिद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है। फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजों को विभिन्न केंद्रीय फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजी जाए। कनाडा में कन्विक्शन रेट 62%, चाइना में 99% 2014 के आंकड़ों के अनुसार। और भारत की बात करें तो भारत में दंड संहिता के अपराधों के लिए भारत में राष्ट्रीय दोष सिद्धि दर लगभग 46% है, और सबसे ज़्यादा जिस राज्य में है वो केरल है, और सबसे कम जिसमें दोष सिद्धि दर है वो बिहार है। और ओवरऑल बात की जाए भारत में तो दोष सिद्धि की दर 64.7% है। इसराइल की 93% और जापान की 99.3%, रशिया की 99% और यूनाइटेड स्टेट की 93% है। तो अभी भारत में बहुत संभावना है इसको बढ़ाने की। और कहीं ना कहीं जो फॉरेंसिक जो जांच है उससे कहीं ना कहीं जो साक्ष्य जो गवाह होते हैं अपने मुखर जाते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा, और जो अदालत है वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जल्दी से केसों का निपटारा भी कर पाएगी। तो इस तरह से महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। गुजरात को बदनाम करने और निवेश रोकने की रची गई साजिश। कहीं ना कहीं गुजरात के भुज में क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा विश्वविद्यालय में परिसर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी जी ने ऐसी बात कही। भुज में कहीं ना कहीं 4400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं शुरुआत की गई हैं। 2001 में कच्छ में विनाशकारी भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्विकास के बारे में भी कहीं ना कहीं नई पहले भी कही गई है। तो उन्होंने कहा है कि भूकंप के बाद कच्छ में किए गए कार्यों का प्रधानमंत्री ने किया उल्लेख। तो भूकंप रोधी जिला अस्पताल, क्लिनिक, हर घर नर्मदा के द्वारा स्वच्छ जल मिला, कहीं ना कहीं जो वेल्डिंग सीमेंट संयंत्र और कहीं ना कहीं जो पाइप निर्माण के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कच्छ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा संयंत्र भी कच्छ में है और एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहीं ना कहीं यही है। कांडला, मुंद्रा बंदरगाह,
सभी कहीं ना कहीं इसी के आसपास स्थित है, जिससे कहीं ना कहीं यातायात में भी और दूसरा व्यापार में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। और मारुति सुजुकी की सफलता पर भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक मोदी जी, कहीं ना कहीं जो सुजुकी है जापान की कंपनी, मारुति भारत की, और दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी की जो कॉपरेशन है साथ में किया, और कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ थी, कहीं ना दोनों कंपनियों ने मिलकर जो पार्टनरशिप की थी उसी का को लेकर मोदी जी ने यह बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो हंसलपुर सोनीपत में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में मारुति और सुजुकी के तीसरे प्लांट की आधारशिला रखी गई, जिससे कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो बैटरी प्लांट की भी कहीं ना कहीं आधारशिला रखी, कहीं ना हरियाणा में कहा है, ताकि आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके। और जो मारुति सुजुकी के प्लांट की विशेषता क्या है, इससे कहीं ना कहीं विश्व का सबसे बड़ा प्लांट रहा है, इससे रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, ई व्हीकल के लिए कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं खुलने के आसार नजर आ रहे हैं, ये संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा है कि ऊर्जा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का फैसला भी लिया गया है, और वाहन शोर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं वो शोर नहीं करते, जिससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को शांति देश में एक नई मुख्य क्रांति ला रही है, तो ऐसा मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने कहा कि ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र में है, और इस क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। और भारत ने COP26 में घोषणा की कि 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल करेंगे, और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा है। तो हम एक बार COP26 में जो कमिटमेंट किए थे एक बार उनको देख लेते। तो इंडिया एट COP26 फाइव बिग कमिटमेंट मेड बाय पीएम मोदी एट द यूएन क्लाइमेट समिट चेंज समिट, कहीं ना कहीं जो COP26 का जो ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था, भारत ने वहाँ कहीं ना कहीं जो अपनी जो पर्यावरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। भारत ने कहीं ना कहीं तापमान को सीमित करने की दिशा में अपने पांच अमृत यानी पंचामृत का एक मंत्र दिया था, जिसमें कहा था कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। दूसरा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करेगा। तीसरा, भारत अब और 2030 के बीच कुल अनुमानित उत्सर्जन की कम से कम 1 बिलियन टन को कम करेगा। चौथा, भारत देश की कार्बन तीव्रता को 45% से कम कर देगा, और भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा। नेट जीरो क्या होता है, जो उत्पादित के तुलना में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को हटाना, यानी जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है उतना ही हमको एब्जॉर्व करना है या उसे हटा देना ही नेट जीरो कहलाता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत जीवन शैली का पालन करने की आवश्यकता भी कहीं ना कहीं जोर दिया है, और कहीं ना कहीं पर्यावरण अनुकूल यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को वैश्विक मिशन बनाने का भी विचार प्रधानमंत्री जी ने ही दिया था। और कहीं ना कहीं जलवायु विविध के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अमीर राष्ट्रों से इसे बढ़ाकर $1 ट्रिलियन और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण करने का भी आह्वान किया गया था, ताकि कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है उससे जो विकासशील देश है, जो अविकसित देश है, उनको सहायता मिल सके और वो अपने विकास को बरकरार रख सके, और जो क्लाइमेट के प्रति जो कमिटमेंट है उन्हें भी पूरा करने में मदद मिल सके, जो काम हुआ था ग्लासगो में हुआ था। तो 2015 में के शिखर सम्मेलन में भारत ने 2005 के स्तर से 33% से 35% कम उत्सर्जन तीव्रता का लक्ष्य रखा था। 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों में 40% का उत्पादन, और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण से अवशोषण द्वारा 2.5 से 3 गीगावाट कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो अभी गैर जीवाश्म ऊर्जा में कहीं ना 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है, और जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 45% कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ाने की तीसरी सकारात्मक सूची को मिली मंजूरी। तो कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
780 घटकों और उप प्रणालियों की नई सूची को मंजूरी दे दी है, जो घरेलू उद्योग से केवल 6 साल की समय सीमा के तहत आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद खरीदी जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची है, जिसमें विभिन्न सैन्य प्लेटफॉर्मों, उपकरणों, हथियारों के लिए और उपयोग की जाने वाली लाइन प्रतिस्थापन इकाइयां, उप प्रणालियों, घटकों को शामिल किया गया है, जिससे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी DPSU यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स द्वारा आयात को कम करना है और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है। और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत ये काम किया जाएगा, जिससे देश में ही रोजगार बनेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो देश का जो विदेशी जो पैसा है वो देश के अंदर ही रहेगा, जिससे देश का विकास होगा और कहीं ना कहीं जो 2047 तक जो हमने डेवलप्ड कंट्री का लक्ष्य रखा उसको भी पूरा करने में इसका बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। और दूसरा, हम दूसरे देशों के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेंगे। ई कोर्ट्स के जरिए लोगों को न्याय सेवाएं देगा CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने वाला कॉमन सर्विस सेंटर अब ई कोर्ट्स परियोजना के जरिए भी लोगों को न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो CSE का संचालन कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ई गवर्नेंस से संबंधित हो सकता है कि किस तरह से सरकार अपनी जो योजनाओं को ऑनलाइन के जरिए मुहैया करा रही है, तो क्या न्याय भी हम ई कोर्ट्स की परियोजना के आधार पर लोगों को पहुंचा सकते हैं। जो टाटा प्रोजेक्ट्स ने कहीं ना कहीं जो लिमिटेड ने संसद भवन का निर्माण का कार्य कर रही है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है अपना सेंट्रल विस्टा यूनिट पुनर्विकास परियोजना है, जो कहीं ना कहीं हमारा नया संसद भवन भी है। आधी शताब्दी का सफर पूरा कर चुका है पहला परमाणु बिजलीघर। तो कहीं ना कहीं जो तारापुर स्थित भारत का जो पहला परमाणु बिजलीघर भी कहीं ना कहीं आधी शताब्दी का सफर पूरा कर चुका है। और ये दूसरा है कि एशिया का पहला परमाणु बिजली घर है तारापुर को कहीं ना कहीं 1969 में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर के जो तकनीक है उसके साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का सपना था, उसको कहीं ना कहीं चरितार्थ करने में भी मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तारापुर में परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की गई थी। 210 मेगावाट क्षमता वाले 2 बिजली घरों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। तारापुर बिजली एशिया देशों में एक तरह से कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे रहा है और उनकी अगुवाई कर रहा है। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनुमति मिलने के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इस काम को शुरू किया था। और कहीं ना कहीं संवर्धित यूरेनियम और हल्के पानी का उपयोग किया जाना चाहिए था। अमेरिका 30 साल तक यूरेनियम देता रहा, लेकिन 1974 में कहीं ना कहीं स्माइलिंग बुद्धा और जो परमाणु परीक्षण किया था, तो भारत को जो अमेरिका ने जो यूरेनियम था उसकी सप्लाई रोक दी थी और भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और कहीं ना कहीं जो रिएक्टर में तकनीकी खामियां थी तो उनको दूर करने के लिए जो बेड़ा है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उठाया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने तो प्रतिबंध लगा दिया था, फिर कहीं ना कहीं हमारे जो वैज्ञानिकों ने ये काम अपने हाथ में लिया और इसको सफल करके दिखाया। एक तो 1974 में, एक 1998 में परमाणु परीक्षण करके भारत ने एक तरह से हमारी आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त परमाणु क्षमता विकसित कर ली। तो एक बार हम परमाणु संयंत्रों को देखेंगे। भारत का यहाँ पे एक मैप में दिखाया गया है कि कितने एक्टिव प्लांट्स थे और कितने आगे योजना है प्लांट लगाने की। तो भारत में कहीं ना कहीं 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 परमाणु रिएक्टर का परिचालन कार्यरत करा, जिसकी कुल क्षमता है 7380 मेगावाट है। और 2021 में जो कहीं ना कहीं जो फुकुशिमा परमाणु आपदा संयंत्र जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में जेतापुर और कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु में कुडनकुलम परियोजना थी, तो उनके खिलाफ एक तरह से विद्रोह भी हुआ था कि यहाँ प्लांट न लगाया जाए। भारत में नाभिकीय ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा आमतौर पर कम है, यहाँ क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कम क्षमता का जो प्रमुख हमारा कारण है वो क्या है, परमाणु ईंधन की कमी है। और हाल ही में इसमें कहीं ना कहीं भारत ने सुधार भी किया है। तो भारत थोरियम आधारित ईंधन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, क्योंकि जो थोरियम और जो कम समर्थित यूरेनियम का उपयोग करके भारत परमाणु रिएक्टर के लिए एक प्रोटोटाइप डिजाइन भी कर रहा है और विकसित करने के लिए भी काम कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास
जो थोरियम है, जो उसके पर्याप्त भंडारण मौजूद है। तो यहाँ दिखाया हुआ है कि अभी कौन से एक्टिव प्लांट्स है और कौन से आगे आने वाले समय में हमारी योजना है प्लांट्स को लगाने की। तो पहले हम एक्टिव प्लांट्स को देख लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, तो कुडनकुलम चेन्नई में हो गया, कल्पक्कम, और इधर महाराष्ट्र में चलते तो एक हो गया केगा, मुंबई, मुंबई जी माफ कीजिए केगा है ये कर्नाटक में, और जो तारापुर मुंबई यानी जिसे ट्रॉम्बे, ये कहाँ हो गए महाराष्ट्र में, ये काकरापारा ये गुजरात में आ गया, ये राजस्थान में कोटे वाले क्षेत्र में आ गया, और ये नरोरा यूपी में आ गया। और कहाँ है हमारी आगे आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट की, तो एक है कोवाडा में है, एक जैतापुर में है, दूसरा है बंसवारा में है, एक गोरखपुर में है। तो ये हमारी योजना है आगे आने वाले समय में। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स रिजर्व की बात करें तो भारत में बहुत ही कम यूरेनियम के भंडार है। अपने परमाणु ऊर्जा उद्योग के लिए कहीं ना कहीं हम एक तरह से यूरेनियम के लिए आयात पर निर्भर है। तो 1990 के दशक की शुरुआत में रूस भारत को परमाणु ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। घरेलू यूरेनियम भंडार की कमी के कारण भारत में जो ऊर्जा जैसे जो बिजली उत्पादन होती है उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से कमी आई है। सितंबर 2008 में एनएसजी यानी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से छूट के बाद कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यापार में भारत को एक तरह से अनुमति मिलने से उसके सामने रास्ते भी खुले हैं। भारत ने फ्रांस सहित कई देशों के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग पर भी कहीं ना कहीं जो बायोलेटरल समझौते एग्रीमेंट है वो किए हैं। भारत ने थोरियम ईंधन और ईंधन चक्रों में रुचि भी दिखाई है, क्योंकि कम ग्रेट यूरेनियम के बहुत मामूली भंडार की तुलना में जो समुद्र तट पे रेत में कहीं ना कहीं जो मोनेजाइट के रूप में थोरियम के बड़े भंडार उपलब्ध हैं भारत के पास, जो कहाँ है अपने केरल वाले क्षेत्र में है। जो 48 राष्ट्र एनएससी ने 6 सितंबर 2008 को भारत को छूट दी, जिससे अन्य देशों के साथ जो नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंचने की एक तरह से भारत को अनुमति मिल गई थी। और भारत ज्ञात परमाणु हथियारों का वाला एकमात्र देश है जिसने कहीं ना कहीं जो परमाणु अप्रसार संधि थी ना एनपीटी, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से भेदभावपूर्ण नीति थी। और यहाँ पर हम एक बार मैप देखते हैं, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया। तो केगा कहाँ हो गया, कर्नाटक में हो गया, काकरापारा गुजरात में हो गया, कुडनकुलम तमिलनाडु में हो गया, चेन्नई में, ये जो कल्पक्कम है तमिलनाडु में हो गया, नरोरा यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, तारापुर वाला महाराष्ट्र में हो गया। तो इनकी कैपेसिटी दी हुई मेगावाट में कितनी है, और ये उनके टाइप है कि किस टाइप का जो रिएक्टर है, ये बॉइलिंग वाटर वाला रिएक्टर है। तो इस तरह से इनकी मतलब किस टेक्नोलॉजी पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिए हुए राज्य दे रखे इनके, और कितनी यूनिट्स लगा रखी वो वाली दे रखी, और ऑपरेटर कौन कर रहा है इनको, तो एनपीसीआई ले यानी इनको ऑपरेट कर रही है। और आगे वाले समय में कहाँ हमारे और दूसरे रिएक्टर लगाने की योजना है, तो ये चेन्नई में, तो कल्पक्कम में हो गया, काकरापारा, केगा, गोरखपुर, राजस्थान और कुडनकुलम, और उसके बाद जो नई प्लांट लगाने की योजना थी तो वो ये वाला है जहाँ भी होल्ड करके रखा है। ये कोवाडा की हम बात कर रहे थे जो आंध्र प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उसको भी होल्ड करके रखा है। जैतापुर में कहीं ना कहीं प्लांट हो चुका है, कवाली में प्लांट चल रहा है, और गोरखपुर में अप्रूव मिल चुका है, और माही बंसावारा राजस्थान में इसको भी अप्रूव मिल चुका है। तो आने वाले समय में भारत की क्षमता और भी बढ़ेगी। नक्सल पर नके, तो एक बार आप जरूर पढ़िएगा आपका मुद्दा में इसे। अब चलते हैं हम इंडियन इकोनॉमी संबंधित। जनधन योजना से बड़ा बैंकिंग सेवाओं को दाखिला, जैसा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पर कहीं ना कहीं जो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है, दूसरा है कि जो वंचित तबकों को कहीं ना कहीं एक तरह से आर्थिक विकास भी सुनिश्चित किया गया है, कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेवा से के दायरे से जो बाहर मौजूद लोगों को भी कहीं ना कहीं एक तरह से वित्तीय व्यवस्था का अंग बनाकर वित्तीय समावेशन किया गया है। 2014 में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें 46 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कहीं के लगभग 1.74 लाख करोड़ रुपए जमा है, और 67% ग्रामीण आबादी की पहुंच अब बैंकिंग सेवाओं तक हो चुकी है, 56% महिलाओं के पास भी जनधन खाते हैं। जनधन खाते के जरिए लोगों के पास सीधे सरकारी पैसा भेजने
और रुपए कार्ड के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन भी मिला है। जन खातों के जरिए उनकी सहमति के आधार पर आधार नंबर और मोबाइल नंबर से जोड़ने की व्यवस्था यानी JAM से कहीं ना कहीं जो सरकारी कल्याण योजनाओं के जो लाभार्थी उनको सीधे पैसे हस्तांतरण किए गए यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जा रही है। जनधन जैसे जनधन योजना तो अकाउंट हो गया, ऐसे आधार हो गया और एम से मोबाइल हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इससे डिजिटलीकरण को भी कई तरह बढ़ावा मिला है। आकाश एयर के डाटा में सेंध ग्राहकों की जानकारी उजागर। तो कहीं ना कहीं इस खबर को हम इस तरह से देखना है कि हमें पता है कि जैसे जैसे हम डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक तरह से साइबर सिक्योरिटी और डाटा की जो सेंधमारी जैसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिससे कहीं ना कहीं अभी हाल में उदाहरण आया है कि जो आकाशा एयरलाइंस की जो डाटा में एक तरह से सेंधमारी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो यात्रियों की जानकारी लीक हो गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो और इन्होंने जो कंपनी ने जो यात्रियों से माफी भी मांगी और इसकी सूचना किसको दी है? तो इंडियन कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम यानी CERT को सूचना भी दी है, जिसमें कहीं ना कहीं पंजीकृत ग्राहक की सूचना नाम लिंक ईमेल फोन नंबर से जुड़ी जानकारी कहीं ना कहीं अनाधिकृत लोगों के उपलब्ध हो गई है और सूचना यात्रा रिकॉर्ड भुगतान की सूचना का उजागर भी मतलब कुछ सूचना ऐसी है जो कहीं ना कहीं एक तरह से हैकिंग के थ्रू जो अवैध रूप से लोगों के हाथ में चली गई हैं। कच्चा तेल खरीद पर दोहरा रवैया ना रहे पश्चिम देश रूस। तो कहीं ना कहीं जो रूसी राजदूत ने कहा कि प्रतिबंधों का भारत से व्यापार पर असर नहीं, तो इन्होंने कहा रूस के जो राजदूत थे डेनिस अलीपोव ने रविवार को कहा कि देश से कच्चा तेल आयात करने पर भारत की आलोचना करना लेकिन अपने अवैध प्रतिबंधों से खुद को छूट देना पश्चिमी देशों का दोहरा रवैये को प्रदर्शित करता है। भारत रूस के बीच में कहीं ना कहीं व्यापार में बढ़ोतरी भी हुई है और देशों के बीच में कहीं ना कहीं जो पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध हुआ है। दोनों देश कहीं ना कहीं अपनी आपसी घरेलू मुद्रा में व्यापार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। दोनों देश कहीं ना कहीं अपने जो राष्ट्रीय मुद्रा का इस्तेमाल करके जो भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो डॉलर का विकल्प भी तलाशा जाएगा, जो स्विफ्ट सिस्टम है उसका भी कहीं ना कहीं एक तरह से विकल्प निकाला जाएगा। भारत में मान लो व्यवसाय में अगर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से हम तोड़ निकाल पाएंगे। तो राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार का 40% से अधिक रहा है, तो ऐसा किसने कहा है? ये रूस के राजदूत ने कहा है। भारत में रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल के आयात में भारी वृद्धि देखी गई है और कहीं ना कहीं इन्होंने जो पश्चिमी देशों को एक तरह से सिद्धांतहीन कहा है कि एक तरफ तो रूस पर प्रतिबंध लगाते और दूसरी तरफ उसी से कहीं ना कहीं कच्चा तेल खरीद करते हैं, तो इसी से कहा है कि पश्चिमी देश एक तरह से सिद्धांतहीन है। यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के नजदीक डेनिप्रो नदी पर कहीं ना कहीं जो हमले हो रहे तो उसी को लेकर देशों ने एक तरह से चिंता भी व्यक्त की है, क्योंकि जो जापोरिजिया है यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र है। तो कहीं ना कहीं वहाँ 1986 में यूक्रेन में जो चेर्नोबिल था उसमें एक परमाणु दुर्घटना कारण कई लोगों को हताहत हुए थे और कई उससे जख्मी भी हुए थे, तो इसी को देखकर ये चिंता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो एक बार हम पाकिस्तान की मैप का भी एनालिसिस करेंगे। एक बार हम स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भारत ने कहीं ना कहीं जो एशिया कप T20 में पाकिस्तान को 5 विकेट से कहीं ना कहीं मात दे दी है और ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा 147 पे इसने स्कोर किया और भारत ने 148 पे 5 विकेट के साथ भारत ने एशिया जो T20 कप में भारत ने जीत हासिल कर ली है। संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रारूप समिति का गठन। कहीं ना कहीं जो 1947 में आज ही जो संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। 26 नवंबर 1949 को समिति ने संविधान का मसौदा संविधान सभा के सामने पेश किया था। 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आया था। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान से संविधान की विकास यात्रा से संबंधित है। तो अभी चलते हैं अगला। ध्यानचंद ने ओलंपिक में 3 बार दिलाया था स्वर्ण पदक, तो अब हम इसे किससे कोट कर सकते? तो हम इसे एथिक्स से कोट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ध्यानचंद थे उन्होंने 1928, 1932, 1936 में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक जिताया था। तो कहीं ना कहीं इनसे दृढ़ इच्छा शक्ति
मेहनत करने के प्रति लगन, एक तरह से खेल के प्रति जो इनका जुनून था, ये गोल करते थे। और गोल की मतलब एक बार इन्होंने गेम में कहीं ना कहीं जो गोल किया था और गोल ना होने पर इन्होंने कहा था कि जो ये बॉल की जो ऊंचाई है कहीं ना कहीं ये नीचे लगाई हुई है। तो इस तरह से इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि अगर ये गोल करते थे तो गोल होकर ही रहता था और इन्हें जादूगर कहा जाता किसका, हॉकी का। तो इस तरह से हमें इनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। हमारा विश्लेषण तो ये समाप्त होता है, मैप का एनालिसिस करेंगे किसका, आज पाकिस्तान का करेंगे। तो ये पाकिस्तान का मैप हो गया और ये भारत देश और ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और ये जो पाकिस्तान है जो हमारा गिलगित बाल्टिस्तान वाला जहाँ कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, और ये ऊपर हिंदू कुश पर्वतमाला आ गई, ये चाइना वाला क्षेत्र आ गया और ये पीओके जिसका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी निकल रही है भारत से होते हुए जो पीओके वाले क्षेत्र से होते हुए कहीं ना कहीं अरब सागर में जाकर गिर रही, और जिसे हम पंजाब बोलते थे। तो कहीं ना कहीं पांच नदियों वाला देश था, मतलब पांच नदियां होकर गुजरती थी, इसलिए उसे पंच प्लस आब यानी पंजाब बोलते थे। ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, इसके पश्चिम की साइड में अफगानिस्तान हो गया, ये लाहौर, ये पंजाब वाला क्षेत्र, ये चिनाब नदी, सिंधु सिंधु जेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ये मुल्तान वाला क्षेत्र, ये क्वाटा, ये सिंध वाला प्रांत वाला हो गया, ये इधर बलूचिस्तान वाला, इधर हैदराबाद, ये माउथ ऑफ इंडस, ये ग्वादर पोर्ट्स जहाँ से कहीं ना कहीं जो सीपीएससी ये दो जो काशगर है दोनों को जोड़ा जा रहा है यानी चीन और पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना, ये कराची पोर्ट हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अवस्थित है पूरी तरह से, इसकी सीमा ईरान से लग रही, इधर अफगानिस्तान से लग रही है, ऊपर कहीं ना कहीं तजाकिस्तान से भी इसकी सीमा लग रही है, यहाँ तजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है कहीं। तो ये मुल्तान के बाद एक खैबर पास हो गया जहाँ से कहीं ना विदेशी आक्रांत थे भारत में इंटर करते थे, ये पेशावर, ये काबुल हो गया अफगानिस्तान की राजधानी, ये काबुल नदी कहाँ जाके मिल रही, तो इंडस में जाकर मिल जाती है। ये फिजिकल मैप हो गया, ये ऊपर हिंदू कुश हो गई यानी इसके उत्तरी साइड में हिंदू कुश पर्वतमाला हो गई, ये खरान डेजर्ट आ गया, इधर मकान कोस्ट रेंज आ गई, ये मकरान कोस्ट, ये ग्वादर पोर्ट, एक ये माउथ ऑफ इंडस, और ये बीच में सुलेमान रेंज, ये थार डेजर्ट, और ये जेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, और सब जाकर किसमें इंडस नदी में जाकर मिल रही हैं, ये कराची पोर्ट, और ये मोहनजोदारो जो कहाँ है इंडस नदी के किनारे अवस्थित हैं, और ये हड़प्पा हो गया, ईरानी महल, ये रोहतास का जो किला, ये तक्षशिला, ये रावलपिंडी, ये इस्लामाबाद। तो इस तरह से ये मैप होता है किसका, पाकिस्तान का। ये एक बार आप जरूर इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, देख लेते हैं। तो ये भुज वाला क्षेत्र हो गया यानी गुजरात के क्षेत्र में ये, और ये मुंद्रा पोर्ट, ये कांडला पोर्ट हो गया, ये गोधरा कांड हुआ था जहाँ पर, ये कच्छ के रण की झील, ये ऊपर वाला कच्छ वाला क्षेत्र हो गया इस साइड, ये हैदराबाद का क्षेत्र आ गया यानी जो पाकिस्तान वाला हैदराबाद, ये राजकोट, इधर अरब सागर, और यही कहीं ना कहीं जो पोर्ट है यहीं से इधर अरब सागर से होते हुए जहाज कहीं ना कहीं इधर ही गुजरात के बंदरगाह पर आते हैं, और इसके बाद ऊपर उत्तरी भारत में सप्लाई होती है, और जो उत्तरी भारत के सामान होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं पोर्ट के थ्रू दूसरे देशों में सप्लाई किए जाते हैं। और ये गिर रेंज यही आ गई है, ये दीव हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे दमन दीव, ये सूरत, ये जूनागढ़ जो रियासत थी पहले, इतिहास में हम इसका नाम सुनते हैं, सोमनाथ का मंदिर, ये जामनगर, ये कच्छ की खाड़ी आ गई साइड, ये पोरबंदर, और कहीं ना कहीं यहीं से साबरमती गुजर रही है जहाँ कल कहीं ना कहीं एक ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया है। वडोदरा, ये भरूच,
तो इस तरह से आप इस मैप का उपयोग कीजिएगा। धन्यवाद।